जी जनाब। जयपाल को वो दुकान मिली, उन्होंने कुछ पैसे दिए। दूसरी एक और उन्होंने एक FIR और करा दी विजयपाल के अगेंस्ट में कि ये जो सामान डालता था ये कम डालता था, उस FIR विजयपाल के अगेंस्ट में कर दी और फिर बाद में विड्रॉ भी कर दी वो। तो उनकी मिली भगत से डायरेक्टर्स थे, इसको पैसे ना देने के एवज में FIR कराई थी। इसके बाद फिर हमने कंप्लेंट डाली, उनको नोटिस, पहले तो नोटिस दिया था इनके डायरेक्टर्स को, फिर उसके बाद मैंने CP साहब को कंप्लेंट डाली, उस कंप्लेंट के ऊपर ये FIR हुई है। गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की साइटों पर बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम लिया हुआ था। सप्लाई किए जा रहे हुए मटेरियल के सामान में बेवजह सही बाहर से कम सामान सप्लाई किया जाता था, जो इस संबंध में कुल जो राशि है लगभग 2,10,00,000 रुपए की हेरा फेरी से संबंधित मामला सामने आया है। इनका इससे पूर्व एक बार जो कंप्रोमाइज़ है वो भी हुआ था, जिसमें इन्होंने अपनी इस गलती को माना था और इसकी एवज में 1,07,00,000 रुपए वापस देने का वादा किया गया था, लेकिन उन द्वारा वो भी वापस नहीं किए गए। अंत में जब पुलिस को इसकी शिकायत प्राप्त हुई तो पुलिस ने बिना किसी देरी के केस रजिस्टर कर लिया गया है और इसमें अभी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे हासिल किए जा रहे हैं और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसको शुरू किया गया है।